जैसे हमने पांचवे उदाहरण में देखा वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज ये है कि इसमें वर्ड में थोड़ा चेंज दिया है। ए बी सी, देखो ए और बी का अनुपात यहाँ पे 2:1 दिया है, मतलब टोटल 3 हो रहा है, तो दोनों के बटे में मैं 3 रख देता हूँ। और न्यू प्रमाण तो हमें ढूंढना है, और उन्होंने सी को पेडी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ए अपने भाग में से यूज किया है, क्या उन सब वर्ड यूज किया है, में से। और पांचवे सवाल में यहाँ पे क्या यूज किया था, के यूज किया था गुजराती में, नू। અને એ પોતાના ભાગમાંથી પોતાના ભાગ નો શબ્દ વાપરેલો હતો પાંચમામાં, અને અહીંયા માંથી શબ્દ વાપરેલો હશે, હે ને? તો ઇસકા અર્થ ક્યા હોતા હૈ કે ટોટલ મેં સે ખુદ કે ભાગ મેં સે વો ભાગ દેગા, લેકિન ટોટલ મેં સે કિતના, ટોટલ કા 1/12 ભાગ, હે ને? કા બરાબર, મેં સે મતલબ ટોટલ કા 1/12 ભાગ। એક્ચ્યુઅલી એ શોર્ટકટ વાક્ય રચના હૈ, ઇસકો લોંગ ટર્મ કરે લોંગ કરેંગે તો એસા હોગા કે એ अपने भाग में से पूरे भाग का 1/12 भाग। क्या इसका पूरा वाक्य क्या होगा, ए अपने भाग में से पूरे भाग का 1/12 भाग। तो ये पूरे भाग का 1/12 भाग, तो पूरे भाग का वो यहाँ पे साइलेंट है। साइलेंट क्यों है, क्योंकि वो कॉमन हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है, सामने वाला समझ जाता है। तो अकाउंट के लिए ये कॉमन हो गया है, इसलिए वो साइलेंट हो गया है। पूरे भाग का वो समझाने की जरूरत, मैं से बोला है तो वो समझाने की जरूरत नहीं है, है ना? पूरे भाग का तो वो साइलेंट हो गया है। साइलेंट इसलिए क्यों हुआ है कि वो आदत हो जाती है समझ, सामने वाले को समझने की। तो पूरा भाग कितना होता है हमेशा, तो पूरा भाग यहाँ पे 2 और 1 3/3 = 1 होता है। तो पूरा भाग 1 है, उसका 1/12 भाग, तो वो तो 1/12 ही होगा। और यहाँ पे एक है, उसका 1/6 भाग, वो तो 1/6 ही होगा। अभी सभी बट्टे में जो है उन सब को समान बनाना है, तो सबके पहाड़े में 3, 6, 12 सबके पहाड़े में आए ऐसी चीज़, तो 12 है, तो सबको 12 बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो सबको 12 बना देते हैं, तो ये नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर 4 से गुणा करें तो 4 × 2 = 8/12। यहाँ पे 4 से नीचे गुणा करें, ऊपर 4 से गुणा करें तो 4 × 4 = 12। यहाँ पे तो कुछ गणना करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर 2 से गुणा करें तो 2/12। तो देखो ये 2/12, ये 1/12, तो इसको सी को कितना लाभ मिलेगा, 3/12 जितना भाग मिलेगा, कुल का 1 रुपये में से 3/12 भाग इसको मिलेगा। तो वही प्रमाण उसका हो गया 3/12 नया, क्योंकि पुराना तो उसका कुछ था ही नहीं, है ना? अब बचेगा कितना, तो पहले इस ए को 8/12 भाग मिल रहा था, उसमें से 1/12 भाग वो दे दे रहा है, तो बचेगा इसका कितना, 7/12 भाग बच जाएगा। इसी तरह बी का 4/12 भाग दे रहा था, उसमें से वो 2/12 भाग दे रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 4 में से 2 गया, तो 2/12 भाग उसका बच जाएगा। तो यहाँ पे नया प्रमाण कितना रहेगा, 7 × 2 = 3, 7 × 2 = 3। यही चीज़ मैं यहाँ पे 12,000 लेके या 24,000 लेके या 60,000 लेके भी कर सकता हूँ। तो 60,000 लेके करके देखता हूँ, ए बी और सी। 60,000 को पहले 2:1 में बांट देंगे तो 40,000 और 20,000 आएगा पुराने प्रमाण के अनुसार। उसमें से वो पूरे भाग का, पूरा भाग कितना है ख्याति का, पूरा ख्याति कितना है, 60,000 है, हमने 60,000 माना है, तो 60,000 का 60,000 में से 1/12 भाग, 60,000 में से 1/12 भाग का वो त्याग करेगा। 60,000 का 40,000 में से 60,000 का 1/12 भाग, 40,000 में से 60,000 का 1/12 भाग, तो गुणा किससे करना है, 60,000 का करना है, है ना? तो 12×5=60, मतलब कितना हो जाएगा, 5, है ना? इसी तरह 60,000 का 1/6 भाग करना पड़ेगा, तो 10,000 हो जाएगा। तो ये 40,000 में से 5,000 का त्याग करेगा, है ना? तो इसका 35,000 हो जाएगा। ये 20,000 में से 10,000 का त्याग करेगा, तो 10,000 इसका बच जाएगा। और ये कुछ नहीं है, तो ये 5 और 10 इन दोनों ने त्याग किया, तो इसको 15,000 मिलेगा। इसको 15,000 देने के लिए त्याग किया ना, तो इसके लिए तो वो लाभ हो जाएगा।
तो यही 15,000 इसके नया नया प्रमाण में मिलेगा, तो ये तीनों का टोटल भी 60,000 वैसे होना ही चाहिए। तो चेक कर लो, तो 35 जन 10 जन 15, तो 35, 10 और 15 तीनों को कौन सी संख्या से भाग सकते हैं? 5 से भाग सकते हैं। तीनों को 5 से भाग दे तो 5 7 35, 5 2 10, 5 3 15, 7 जन 2 जन 3 आ गया, जो कि ऊपर भी लिखा था 7 जन 3 2 जन 3 है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि यहाँ पे पूरे भाग का है ना, तो पूरे भाग का या पूरे लाभ का, लाभ का भी बोल सकते हैं, पूरे लाभ का, पूरे ख्याति का ऐसा भी बोल सकते हैं, वो साइलेंट हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? जब मैं से लिखा हो तब क्योंकि वो वाक्य अधूरा हो जाता है। अपने भाग में से 1/12 भाग, लेकिन 1/12 भाग किसका, वो तो दिया ही नहीं, वो अपने हमको समझने का कि वो पूरे भाग का। क्लियर हुआ? चल